नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह का 9:30 बजे 5 लोग एक टाइटेन नाम का सबमरीन में बैठ के समुंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटेन का मलबा देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटेनिक जहाज जो तकरीबन आज से 100 साल पहले समुंदर के अंदर डूब गया था। ये बहुत महंगा टूर है। सबमरीन में बैठे एक एक आदमी 2 करोड़ खर्च किए चंद घंटे के टूर के लिए। ये टूर महंगा इसलिए है, टाइटेनिक जहाज के मलबे समुंदर के गहराइयों में पड़ा है। स्पेशली कहा जाता है 3800 मीटर डीप में पानी का प्रेशर पानी के नीचे पड़ा है। सबमरीन पानी के नीचे जाने का सफर शुरू करती है। ऐसे करीब 2 घंटा का समय लगता है 3800 मीटर तो नीचे पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पे सिग्नल भेजती है। ऊपर पड़े जहाज पोलार प्रिंस यही इनके लिए एक जरिया है बाहर का दुनिया से कम्युनिकेट करने का। उस दिन सबमरीन को महज 4 घंटा हुआ था कि अचानक से अपने कंट्रोल खो जाती। शाम को 4:30 बजे सबमरीन को टूर खत्म करके वापस आ जाना था। इसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। शाम को 7 बजे पोलार प्रिंस में बैठे टीम थी वो डिसाइड करते हैं यूएस पोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो यहाँ से सर्च होता है 4 दिन लंबी एक मल्टी नेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च होती है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज शिप रॉबर्ट वाइकल का के हर किसी का दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर में इस पैसेंजर के साथ क्या हुआ।